दोस्तों ट्रेड ऑलवेज फॉरवर्ड चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोग से पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों कि कल हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न ये था दोस्तों कि कल कलकत्ता में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, और साइक्लोन इन द सेंस जो जिसको काल बैसाखी बोलते हैं दोस्तों। तो मुझे ऑफिस से घर आने में बहुत लेट हो गया, करीब 9 बज गया दोस्तों, और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पूरा जो सिस्टम है दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना, प्लस इसको अपलोड करने में करीब अप्रॉक्स 2 घंटे का समय लगता है दोस्तों। तो मैं आपको, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मेरा कल लॉस हुआ होगा तो मैं वीडियो इसके कारण से अपलोड नहीं किया। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा कल लॉस तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि मैं वो लॉजिक बताऊँगा क्यों हुआ है और मैंने क्यों लॉस किया। लेकिन दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं होने का रीज़न यही था दोस्तों कि मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं कल रात में 9 बजे, 9:30 बजे करीब पहुंचा दोस्तों घर, और मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2 घंटे से 2 घंटे टोटल समय लगते हैं दोस्तों पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, राइट। सो दोस्तों मैं बात कर लूँ कल का कि मुझे लॉस क्यों हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा था दोस्तों, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम में दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी वो वाइप आउट हो गया है जो डिटेल्स था। देखिए दोस्तों, मैं जो था कल इस कॉल में एंट्री किया था, ये जो कॉल था ना, मैं पुट साइड में एंट्री किया था। और ये दोस्त ना, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो लाइन है दोस्तों, ये देखिए जो कैंडल है दोस्तों, कितनी कितनी कैंडल है। एक कैंडल 181 पॉइंट का है दोस्तों। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल जो है ना, ये एडुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं चैनल को बनाया हूँ दोस्तों, और मैं इसमें प्रॉफिट रोज़ करता हूँ। पर मैं दोस्तों एक चीज़ हमेशा बताया करता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो 100% प्रूफ नहीं है, 100% वर्क नहीं करती है। 70 to 80% कोई भी स्ट्रैटेजी अगर वर्कआउट करती है दोस्तों, तो दोस्त आप समझिए कि बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, अगर वो सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर में आप काम करते हो। मेरा मई मंथ में जस्ट एक स्टॉप लॉस कल हिट हुआ दोस्तों, नहीं तो मैं ऑलरेडी कंटिन्यू में प्रॉफिट में हूँ दोस्तों। अगर ये चैनल से आपको बहुत अच्छा कुछ नॉलेज मिलता हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाइयों दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा करिएगा दोस्तों, राइट। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं बहुत ही जल्द अपना जो लाइव पोजिशन है, मेरा टेलीग्राम चैनल है लिंक के नीचे, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही जल्द अपना लाइव पोजीशन उसमें शेयर करने वाला हूँ, जो आपको वहाँ पर एडुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से दिया जाएगा। अगर मुझे लॉस होगा दोस्तों तो आपको लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट। बट स्टॉप लॉस लगा करके काम कैसे करना होगा, मैं स्टॉप लॉस भी बताऊँगा, टारगेट भी बताऊँगा उसमें। आपको उसके हिसाब से अपना पोजिशन को हैंडल करना है, मेंटेन करना है, राइट। दोस्त आप देखिए, एक होता है फिबोनाची, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं कल ये जो स्विंग बना था दोस्तों, स्विंग क्या होता है दोस्तों, अगर जहां से मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, डाउनफॉल होने के बाद दोस्तों जहां से मार्केट बाउंस बैक करता है, तो ये उसके लिए एक स्विंग लो बन जाता है, राइट। ये एरिया स्विंग लो उसका हो गया मार्केट का। तो मैं स्विंग लो से, ये जो रेड एरिया है दोस्तों, यहाँ से मार्केट अगेन डाउन आने लगा, तो मैं यहाँ पर फिबोनाची का टूल है जो मैंने लगा दिया। लगाने के बाद दोस्तों देखिए, ये एक कैंडल 181 पॉइंट का था। मैं इस कैंडल का, इसका जैसे ही लोड डाउन हुआ दोस्तों ना, मैं एंट्री कर गया यहाँ पर पी साइड में, और एक कैंडल दोस्त देखिए बहुत ही अच्छा हमको प्रॉफिट दे रही थी। जो कैंडल है ना दोस्तों, आप देखिए ये 181 पॉइंट का, अगर टोटल अगर देखें आप यहाँ से काउंट करें, तो 181 पॉइंट की देखिए मार्केट तो यहाँ गया, फिर नीचे आया मार्केट यहाँ फिबोनाची का जाकर के, फिर दोस्तों देखिए ये जो जो 0.5 लेवल जो है, ये लेवल दोस्तों, ये वाला लेवल जो है ग्रीन कैंडल, ग्रीन जो लाइन है इसको बोलते हैं 0.5, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5। ये लेवल अपने आप में बहुत बड़ा, एक मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, तो यहाँ से अगर मार्केट रिटेस्ट करके इस लाइन को अगर वापस डाउन आता है यहाँ से टेस्ट करके, तो ये समझिए कि दोस्तों बहुत ही रामबाण है मार्केट में आपको कॉल देने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही ये मार्केट जो डाउन आया, और यहाँ पर जाकर के 0.5 लेवल जो फिबोनाची का है इसको रिटेस्ट किया, और जैसे ही नीचे आया दोस्तों ना, मैं यहीं पर कॉल में एंट्री कर गया था, और मुझे एक टाइम बना, मैं 2 कॉल में ट्रेड करता हूँ, आप मेरे को 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन देखिए शार्प रिकवर किया दोस्तों, मुझे समय भी नहीं दिया, ये इतना शार्प रिकवर किया दोस्तों कि मेरा जाकर के
जो 6,000 का प्रॉफिट था वो 3,000 का लॉस में जाकर के कन्वर्ट हुआ। तो मुझे कल दोस्तों मैं बता दूं क्लियर कि मुझे 3,000 का लॉस हुआ था, राइट। बट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैं ये बहुत लेट से घर पहुंचा दोस्तों और वीडियो नहीं बना पाया, राइट। तो ये रहा कल का बात, राइट राइट दोस्तों। आज प्रॉफिट मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे मेरा हुआ है। करीब 1700 रुपये का प्रॉफिट है, आप देख लें यहाँ पर। अब मैं आपको जो बताता हूँ दोस्तों क्लियर बताता हूँ। देखिए मेरा 1700 रुपये का प्रॉफिट है, आज भी मैंने प्रॉफिट किया, थोड़ा बहुत कल का जो लॉस था मैंने रिकवर कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मंडे का प्रेडिक्शन क्या होगा। मंडे का प्रेडिक्शन क्या होगा दोस्तों, देखिए मैं आपको दो चीज़ बताया, मेरा लॉस जो कल का था 3,000 रुपया वो भी बताया, किस वजह से लॉस हुआ। मैं इतना फास्ट मार्केट रिवर्स किया कि मुझे प्रॉफिट को बुक करने का टाइम नहीं दे पाया, राइट। मुझे समय नहीं मिला कि मैं बुक करूँ उसको। 6,000 का प्रॉफिट में 3,000 का लॉस में कन्वर्ट किया, राइट। एनीवे दोस्तों हमेशा प्रॉफिट तो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो इंसान है ना, वो वही दुनिया को बनाया है, वही सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो इंसान है, हम लोग से सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो मुझे भी कल लॉस हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं जो प्रॉफिट तो हो रहा था 6,000 का, वो मैं बुक नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ, बहुत फास्ट मार्केट रिवर्स किया अपोजिट डायरेक्शन में। कल का मार्केट क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया था, और मैं इसको अभी 10 मिनट में कर रहा हूँ, राइट दोस्तों। देखिए 10 मिनट में अभी इसको एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट को। ये 1 आवर का ट्रेंड लाइन है, जो ब्लैक वाला लाइन है। देखिए मार्केट ना यहीं पर इसको देखिए आप रिजेक्शन ले रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में। इस लेवल को मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। क्या मतलब है इसका दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलर बैठे हुए हैं, और मार्केट ऑलरेडी ये टॉप हाई पर था अपना, ठीक है, ये टॉप हाई पर था दोस्तों। इस कारण से ना यहाँ पर मार्केट को ना जो सेलर्स बैठे हुए यहाँ पर इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ जा रहा है ना, दबा के यहाँ पर सेल मार रहे हैं, मार्केट डाउन डाउन लेकर चले आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ जा रहा है फिर नीचे चला आ रहा है, राइट। जैसे ही मार्केट यहाँ गया है, देखिए वापस कल का पूछना जो कह सकता है नीचे आ सकता है मार्केट, या अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है दोस्तों ना, तो ये अपना ऑल टाइम हाई में कहाँ जाएगा दोस्तों, अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसके आगे जो है कोई रेसिस्टेंस लाइन नहीं है। रेसिस्टेंस लाइन नहीं है इसका मतलब दोस्तों क्या है कि मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है, और इसके ऊपर में ओपन टारगेट है, कुछ भी टारगेट दे सकता है आपको, 500, 600 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, कुछ भी दे सकता है, राइट। तो मैं एक बार डिलीट कर दूं ये जो लाइन जो बनाया है, इसको वापस मैं क्लियर कर लूं। तो सिनेरियो मेरा क्या हो सकता है कल के लिए, सिनेरियो मंडे के लिए, आई एम सॉरी दोस्तों, क्या हो सकता है कि अगर मार्केट देखिए कहाँ पर क्लोज है, 43956 फर्स्ट पॉइंट मेरा जो है दोस्तों, कि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन जो बहुत 16 तारीख से देखिए यहाँ 16th से ये ट्रेंड लाइन बने हुए आ रहा है, राइट। मंडे को आपको हो जाएगा दोस्तों 22nd, राइट। अगर मार्केट इसको गैप अप ओपन देता है, गैप अप ओपन देने के बाद दोस्तों अगर ये वापस इस ट्रेंड लाइन के पास में आकर इसको रिटेस्ट करेगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अपने आप में बिगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अगर इसको मार्केट गैप अप ओपन देता है और वापस रिटेस्ट करने के लिए दोस्तों आएगा, तो ये आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा ना, पता नहीं क्या दे सकता है, बहुत ह्यूज दे सकता है आपको। ये आपको पर डिपेंड करता है दोस्तों कहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि ओपन मैं आपको अभी टारगेट यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के लिए कोई रेसिस्टेंस लाइन अभी नहीं है, राइट। कुछ भी दे सकते हैं आपको, बस प्रॉफिट बुक करने में ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जिसको एक्सपीरियंस है वो जानते होंगे प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने पर करना है, राइट। दूसरा चीज़ दोस्तों कि प्रॉफिट मार्केट कितना देगा, ये मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है अपना। आप लॉस को पहले से प्री फिक्स करके बैठ जाएंगे अपने सिस्टम में कि मैं आज का दिन में 20 रुपया का लॉस दूंगा, 30 रुपया का लॉस दूंगा, या मैक्स टू मैक्स अगर मैं कन्वर्ट करूँ पैसे में, तो आप 3,000 का लॉस देंगे, आप 5,000 का देंगे, 2,000 का देंगे, 1,000 रुपये का देंगे, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। मार्केट नहीं ये डिसाइड कर सकता है कि आप लॉस कितने का देंगे। लॉस आप खुद डिसाइड करने वाले हैं, आप खुद अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर में लगा देंगे कि मेरे को लॉस आज 1,000 रुपये का लेना है, इससे ऊपर नहीं। मार्केट प्रॉफिट कुछ भी दे सकता है, 10,000 दे सकता है, 5,000 दे सकता है, जो लॉट साइज बढ़ा के जो काम करते हैं, बड़े बड़े लॉट में काम करते हैं, उनका 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, ये डिपेंड करता है। मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए प्रॉफिट अपना, राइट। सिनेरियो नंबर 1। दूसरा सर क्या हो सकता है,
अगर मार्केट यहाँ पर मान लीजिए क्लोज दिया हुआ है, राइट, अगर मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन अगर होगा दोस्तों, देखिए ये अपने आप में ना ये मार्केट कहाँ खड़ा है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट ऊपर में खड़ा है। ये देखिए मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ऊपर में गया, यहाँ जाने के बाद देखिए फिर वापस यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट कहाँ चला गया। तो ये जो लाइन है दोस्तों ना, मैं ड्रॉ करके ऑलरेडी आप लोग के लिए रखा हूँ, क्यों, क्योंकि ये टाइम नष्ट ना हो मेरा भी और आपका भी। तो देखिए दोस्तों मार्केट फिर ये लाइन को यहाँ से लेकर के कहाँ चला गया, फिर वापस आया इस लाइन को, यहाँ पर क्या किया कि रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। करने के बाद दोस्तों मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ से आने के बाद देखिए ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ड्रॉ मैं किया हूँ, यह ट्रेंड लाइन को देखिए यहाँ पर रेस्पेक्ट करके मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, फिर यहीं से मार्केट घूम गया और जा करके ये जो अभी जो रेसिस्टेंस था, राइट, ये सपोर्ट बन गया था, यहाँ पर वापस से ये रेसिस्टेंस बन गया, मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, राइट। फिर 18th को देखिए ये 17th का क्लोज मार्केट था, ये 17th का क्लोजिंग था। 18th को मार्केट देखिए दोस्तों क्या किया, डायरेक्ट गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मार्केट इसको ना क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। तो मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन होता है, यहाँ गैप डाउन होने के बाद दोस्त वापस मैं दिखाऊँ इसको डिलीट करके, गैप डाउन होने के बाद दोस्त अगर मार्केट यहाँ आता है, फिर वापस जा करके ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, राइट, इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। रिटेस्ट करने के लिए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट का हिसाब से काम करने लगेगा, जो ये जो आपका सपोर्ट लाइन है, यहाँ से वापस क्या करेगा मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये ट्रेंड को टच करने के लिए आएगा। दिस इज सिनेरियो नंबर 2। थर्ड क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए लेवल मैं यहाँ पर मार्क कर चुका हूँ, ठीक है, ये लेवल क्या दे सकता है दोस्तों, मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, आप वीडियो जब देखेंगे दोस्तों मार्क यहाँ पर किया हुआ, आप यहाँ से आप लेवल को नोट कर सकते हैं, राइट। अब मेरा थर्ड नंबर पॉइंट दोस्त क्या है, कि थर्ड नंबर में दोस्त क्या कर सकते हैं, मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट। नीचे आने के बाद ये क्या करेगा कि ये जो लाइन है दोस्तों, या तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन जो अभी है, देखिए ये अपने आप एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी काम कर सकता है। मार्केट नीचे आया, आने के बाद या तो मार्केट यहीं से ऐसे घूम सकता है, या मार्केट यहाँ से जाकर के ट्रेंड लाइन को टच करके वापस यहाँ घूम सकता है, राइट। तो ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा थर्ड नंबर जो है ये सिनारियो है मंडे का दिन के लिए। लेवल्स की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो लेवल है दोस्तों 44,000 के ऊपर जाएगा तो दोस्तों बहुत ऊपर जा सकता है। सेकेंड सिनारियो में दोस्तों मैं बताया कि अगर मार्केट गप डाउन होगा दोस्तों, तो ये 43,752 ये ऊपर रिटेस्ट करके, फिर रिटेस्ट करने के लिए फिर वापस से 43,752 के पास में आएगा, और वापस आप जाकर क्या टारगेट दे सकता है, 44,000 का टारगेट दे सकता है, ये सेकेंड नंबर सिनारियो। थर्ड दोस्तों क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा हल्का या फ्लैट ओपन होता है 43,920, या ये जो ट्रेंड लाइन जो लम जो मैं हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके रखा हूँ दोस्तों, ये 40 यहाँ से आकर के 44,000 को अगर मान लीजिए रिटेस्ट करने के लिए जाएगा और यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट टारगेट देगा 43,734, ये टारगेट आपको मिल जाएगा, ये टारगेट आपको मिल जाएगा, राइट। सो दोस्त एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि आपको इस चैनल से बहुत ही अच्छा लर्निंग मिलने वाली है, प्लस आपको लाइव जो मेरा पोजीशन होगा वो भी बहुत जल्द, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन करिए इमीडिएट, जितना जल्दी हो सके मैं बहुत ही जल्द अपना लाइव पोजीशन शेयर करने वाला हूँ, और आप प्रॉफिट किंग बन जाएंगे कैसे वो आपको पता चलेगा जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। मैं कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहा हूँ दोस्तों, आप प्लीज़ मेरा वीडियो को ना भगा भगा कर देखेंगे दोस्तों, तो कोई आपको टेक्निकल चीज़ समझ में नहीं आएगा, आपको टेक्निकल चीज़ समझने के लिए आपको प्लीज़ मेरा वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, राइट। सो दोस्त मैं एक चीज़ वापस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, कि अगर मेरे चैनल से आपको लर्निंग मिलता हो दोस्तों, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता हो, तो प्लीज़ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त बंधु में शेयर करें, आप लोग का कुछ अच्छा मोटिवेशनल कोई अगर मैसेज आता है कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आपको जितना मुझे जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।